हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। एसएससी के जो भी नोटिफिकेशन पेंडिंग थे, जैसे आपका एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, जो कि आपका एमटीएस का 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आना था, 1 मंथ से भी ज़्यादा इसको हो चुका है। और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 11 जून को आना था। तो उसी कड़ी में एसएससी ने आज की डेट में यानी कि 15 जून में अपडेट दे दी है। क्या अपडेट है? पूरा इन्होंने रिवाइज्ड कैलेंडर दे दिया है, किस किस डेट में एग्ज़ाम आएगा, किस किस डेट में आपकी नोटिफिकेशन आएगी, किस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, ये पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो पूरा कुछ आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। आप भी टेलीग्राम पर जाकर ये नाम सर्च करेंगे, वहाँ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एसएससी ने कौन सा रिवाइज कैलेंडर दिया है, कितना टाइम आपको और मिल गया है पढ़ाई के लिए, तो पूरा कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये देखिए, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, ईयर लिखा हुआ है, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखी हुई है, क्लोजिंग डेट लिखी हुई है, और डेट या मंथ लिखा हुआ है किस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर, जिसमें आपका सिविल मैकेनिकल ये एग्जाम होते हैं, यानी कि जेई का एसएससी के द्वारा जो पेपर लिया जाता है, वो इसका डेट था एडवर्टीजमेंट का 28 मार्च और 18 अप्रैल क्लोजिंग डेट थी। इसका एग्जाम 5 से 7 जून में अभी कंप्लीट हो चुका था इस महीने। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024। इसका जो नोटिफिकेशन आया था 26 फरवरी को, क्लोजिंग डेट थी 26 मार्च, और इसका एग्जाम जो है 20 जून से 26 जून के बीच होने वाला है। इसके जो एडमिट कार्ड सिटी वगैरह है वो इन्होंने ऑलरेडी जारी कर दिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लेना। तीसरा है आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म, ठीक है, यानी कि एसएससी सीपीओ वाला जो एग्ज़ाम है आपका, वो जो कि जिसका यहाँ पर एग्जाम डेट है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले ही निकल चुका था, एग्जाम डेट जो है वो 27 जून से 29 जून है। इसके अलावा सीएचएसएल की बात करें तो इसका भी आपका एडवर्टीजमेंट निकल चुका था, और इसका पेपर जो है वो 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या बोला गया है आपको। ओके, नीचे देखिए, नीचे कौन कौन से डेट्स बोली गई हैं आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका 5वें नंबर पर सीजीएल, जो कि आपका मोस्ट जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको मोस्ट अवेटेड था वो है यहाँ पर सीजीएल। सीजीएल का टीयर 1 के बारे में इन्होंने बोला है कब होगा, तो यहाँ पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट की डेट दी है 24 जून, 24 जुलाई लास्ट डेट है, और इसके एग्जाम जो है वो सेप्टेम्बर अक्टूबर में होने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, इसका जो पहले नोटिफिकेशन वो 11 जून को आना था, तो लगभग लगभग 13 दिनों का यहाँ पर इन्होंने डिले कर दिया, कि 13 दिनों तक आपका जो एग्ज़ाम है वो जो नोटिफिकेशन था उसको डिले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम की डेट पर चेंज नहीं किया, ठीक है, इसमें कोई भी इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ, ये वही की वही रखी हुई है। तो आप मोटा मोटा अगर देखेंगे कि आज की डेट से, यानी कि 15 जून से अगर आप निकालें और 15 सितंबर तक अगर आप जाएं, ठीक है, 15 सितंबर तक अगर जाए, कि 15 सितंबर को अगर आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होता है, तो जून जुलाई और अगस्त, ठीक है, अगस्त, तो यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो टोटल 90 डेज आपको मिलते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा खासा समय, कोई अगर बिगिनर भी है तो वो भी यहाँ से अगर चाहे कि मैं एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकता हूँ तो बिल्कुल डेफिनेट वो कर सकता है। ठीक है, तो 90 डेज आपको मिल चुके हैं, तो अभी तक आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं भी आपके लिए क्लासेस लेके आने वाला हूँ जो कि PYQ आधारित रहेंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपकी आधारित रहने वाली है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद MTS का जो भी मोस्ट अवेटेड था, जिसका जो नोटिफिकेशन वो 7 मई को आने वाला था, कब आने वाला था, 7 मई को आने वाला था, बट इसका नोटिफिकेशन अब कब आएगा, 27 जून को आएगा, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा इसमें डिले हमें देखा गया, और 31 जुलाई इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। इसका एग्जाम जो है वो वही अक्टूबर नंबर में होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सितंबर लास्ट के 15 के बाद ही इसका एग्जाम होगा, और ये अक्टूबर के आसपास नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। जहाँ तक इसका जो एग्जाम है ये नवंबर में जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपकी दिवाली होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है, या फिर इसका अगर जल्दी हो जाता है जैसे 15 से 30 सितंबर, तो हो सकता है ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में मिड में इसका एग्जाम ले ले। तो इसके भी आपके पास मोटे मोटे 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन आपके पास बचने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे समय, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसका एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसमें तो केवल 2 ही चीज़ें करनी है आपको, एक GS एक इंग्लिश, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो 2 मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन थे उसकी एग्जाम डेट आ गई है, नोटिफिकेशन की डेट आई, तो लग जाइए बिल्कुल। मैं भी आपको इन दोनों के लिए प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, PYQ सीरीज लेके आऊँगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए चैनल पर। ठीक है, बाकी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं उनका
नोटिफिकेशन 26 जुलाई को आएगा, 24 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, और अक्टूबर नवंबर में ही इसका एग्जाम होने वाला है। देखिए बिल्कुल मिलते जुलते उन्होंने एग्जाम की डेट रखी हुई है, यानी कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच नोटिफिकेशन आएगा, और अक्टूबर नवंबर में इसकी भी डेट यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो GD का एग्जाम है, यहाँ पर 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, 5 अक्टूबर लास्ट डेट होगा, जनवरी फरवरी 2025 में जाके आपका एग्जाम होगा। तो ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा आपके पास टाइम है, लगभग 6 से 7 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है GD की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी से अगर आपका केवल सपना है GD का तो अभी से बिल्कुल लग जाइए, और लगभग आप अगर डेली के 4 से 5 घंटे भी पढ़ेंगे GD के लिए देंगे तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन की अपडेट्स थी तो मैंने दे दिए, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और बिल्कुल जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।